हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और गार्डन देखिए कितना खिला खिला सा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है। अब दो दिन बारिश हुई है हमारे वहाँ, लेकिन दो दिन के ही बारिश में पौधों में अलग ही खूबसूरती दिख रही है। सारे पौधे ऐसा लग रहा है जैसे कितने हरे भरे हो रखे हैं, कितने ज़्यादा ग्रीन हो रखे हैं और हेल्दी दिख रहे हैं सारे प्लांट। अभी इधर देखिए, अब इन पौधों में थोड़ा सा काम करना है। जो वाइन प्लांट हैं उनमें ये काम करना है कि इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश का पानी मिलते ही ये पौधे बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे दो दिन की ही बारिश में ऐसा लग रहा है ये कितने अच्छे से, देखिए ये पौधे बढ़ रहे हैं। उसका प्लांट है ये मधुमालती का, तो अब इनको बहुत जल्दी से सपोर्ट देना है तभी ये बढ़ेंगे। और यहाँ क्लाइमेटिस वाइन मई जून में जो भी ग्रोथ इस प्लांट में आ रही थी, रंजाई के प्लांट में देखिए किस तरीके से ये सूखता चला जा रहा था, लेकिन अभी इस समय जो नई ग्रोथ इसमें निकल के आई है बहुत अच्छे से ये फैल रहे हैं यहाँ पे, तो इनको भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, मतलब अब सभी पौधों में अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी और उसी तरीके से उनकी देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि बारिश में ऐसा नहीं है कि बारिश आते ही हमको देख रेख कम करना है। बारिश में भी प्लांट्स में और पॉट्स में कुछ दिक्कत आती है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ज़्यादा पानी होने की वजह से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। अभी कम पानी की वजह से, गर्मी की वजह से पौधे ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब हमको बारिश में बहुत ज़्यादा पानी अगर है, गमलों में रुक रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, देखना होगा, नहीं तो उससे भी हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। यहाँ देखिए, दो अंडे चिड़िया ने दिए हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके से अंडों को बचाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ही खुला है और बारिश में ये भीग भी जाएंगे, और बारिश में भीगे या ना भीगे बिल्ली से इसको बचाना मुश्किल है। तो देखते हैं, अभी ऊपर से तो मैं कुछ कवर कर दूँगी, अभी अभी मैंने देखा है इसको। और हाँ, मैं बात करती कटिंग लगाने की, तो कटिंग हम किस तरीके से और कौन कौन से पौधे की कटिंग अभी लगा सकते हैं जिसका रिज़ल्ट हमें मिल जाए सर्दियों के पहले, क्योंकि सर्दियों में अगर हम अगस्त सितंबर में जो कटिंग लगाते हैं उनके भी बहुत अच्छे से कटिंग चल जाती है, लेकिन थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम आता है, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर उनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हमारा जो हमने जो कटिंग तैयार की है वो नई कटिंग होती है। अभी के टाइम में हम लगा देते हैं तो उनको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है और कटिंग भी हमारी थोड़ी हेल्दी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसको हम आराम से सर्दियों के पहले शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम टिकोमा का है। टिकोमा का कोई भी प्लांट आप कटिंग लगा सकते हैं अभी इस मौसम में। यहाँ पर देखिए, ये वाला टिकोमा भी है मेरे पास और इसकी कटिंग मैंने लगाई थी फरवरी में, कटिंग भी मेरी तैयार हो गई थी, लेकिन उसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया इस गर्मी के मौसम में, जो अभी मई जून की गर्मी थी उसमें वो पौधा नहीं बचा। तो इस बार मैं इसको कटिंग से फिर से तैयार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा प्लांट है, घना सा हो जाता है बूसी प्लांट और इस तरीके से इस पर फ्लावर आते हैं। तो टिकोमा की कई वैरायटियाँ हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अपने आस पास में मिले उससे आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा कनेर का है। कनेर में भी कई वैरायटी है, आप कनेर के पौधे को भी ऐड कर सकते हैं, ये हाइब्रिड है। और देसी वाले तो आपको रोड साइड देखने को मिल जाएंगे, वहीं से कटिंग आप कलेक्ट करके लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली कटिंग कनेर की भी लग जाती है। तो कनेर की भी कटिंग अभी आप लगाइए और सर्दियों के पहले इनको आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपकी कटिंग चल जाएगी। अगला प्लांट देखिए हिबिस्कस का है। आप गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं अभी इस टाइम में, चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो। देसी वाले गुड़हल तो अभी अच्छे दिखेंगे, हाइब्रिड वाले थोड़े से उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है इस सर्दियों के मौसम के बाद, और गर्मी में बहुत देखरेख की ज़रूरत होती है उनको। तो अगर आपके पास वो प्लांट है तो उसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। जब भी गुड़हल की कटिंग लगाइए तो ये जो सॉफ्ट बिल्कुल ऊपर की टिप होती है उसको लगाइए, ये वाली कटिंग बहुत ही ईजली कटिंग लग जाती है। और मैंने तो इसकी कटिंग अभी मई के मंथ में भी लगाई थी, तो वो भी कटिंग मेरी तैयार हो रखी है, लेकिन अभी मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया। और देखिए किस तरीके से फिर से, अभी इनको गार्डन से मैंने हटाया था, कुछ हद तक कम हुए थे और फिर से स्टार्ट हो गए। ये अगला पौधा है, आप चंपा को कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग तो बहुत ही ईजली लग जाती है,
किसी भी मिट्टी में, किसी भी मीडिया में आप लगा दीजिए कटिंग इसकी, तो बहुत ही आसानी से ये चल जाता है और बहुत अच्छे से ये फ्लावर भी करता है। सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, उसके बाद पूरे 6 से 7 महीने इसमें आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो चंपा की ये वाली वैरायटी या नाग चंपा, कोई भी आपके पास प्लांट हो उसकी कटिंग ईजिली आप तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा देखिए बुगनविला का है। बुगनविला का जो रिज़ल्ट मिलता है इसी मौसम में, अच्छे से कटिंग इसकी चलती है बारिश के टाइम में। और देखिए मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी सभी प्लांट्स की, जितनी भी मेरे पास बुगनविला के प्लांट थे, और देखिए सब पे कितने अच्छे से कलियां बनी हुई हैं और सब पे फ्लावर आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए फूलों से ये पौधा पूरा जो है, अभी इसकी भी जब फ्लावर इसके ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। और यहाँ भी देखिए, तो बुगनविला के कई पौधे हैं मेरे पास, यहाँ पर ये वाला कलर है येलो वाला, तो इन पौधों की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सैडेड है, पिंक और वाइट कलर में इसमें फ्लावर आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वाइट, अभी ये पिंक है, बाद में ये पूरा फ्लावर वाइट हो जाएगा, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। गर्मियों में तो हम लोगों ने प्रूनिंग अपने पौधों पे किया नहीं है, किसी भी तरीके से प्लांट को बचाया है सिर्फ, तो अभी आप प्रून भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये गुड़हल का पौधा मेरे पास है, मल्टी पेटल वाला रेड कलर का, इसकी प्रूनिंग मैंने कल की है और जितनी भी कटिंग थी इस तरीके से उसी पॉट में लगा दिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, अलग से पॉट और मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस पॉट से कटिंग लिए हो, जिस प्लांट से, उसी में अगर आप लगा देते हो तभी गुड़हल की कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है। और अगला पौधा देखिए ललटाना का है। ललटाना को भी कटिंग से आप ईज़िली लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी भी कटिंग चल जाती है। और रेड वाले ललटाना पे देखिए किस तरीके से फ्लावर अब कलियां बन रही हैं। तो ललटाना के भी 4-5 पौधे हैं मेरे पास। और यहाँ नाग चंपा तो बहुत ईजिली लग जाता है, 2-3 पौधे हैं मेरे पास। मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग आप लगा सकते हैं, सिर्फ बरसात में ही नहीं, ये तो हर एक मौसम में इसकी कटिंग लग जाती है। और अगर आप कटिंग नहीं भी लगाते तो भी ये पौधा बीच से उगाता है, इधर उधर आपको गार्डन में देखने को मिलेगा, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। और फाइकस की कटिंग, अगर फाइकस के आप शौकीन हैं, बहुत हार्डी प्लांट है और इसको भी सर्दियों में, गर्मी में, बारिश में, किसी भी मौसम में इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। अभी देखिए आप एलमांडा की कटिंग को ईज़िली आप गार्डन में लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके के इस पे फ्लावर आते हैं, 2 कलर हैं मेरे पास एलमांडा के, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, ईज़िली इसकी भी कटिंग चल जाती है। कटिंग से मैंने इसके पौधे तैयार कर लिए हैं कुछ पौधे, ये देखिए ये वाला पौधा कटिंग से ही तैयार हुआ पौधा है। शायद इस प्लांट में, इस पॉट में पानी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसकी पत्तियाँ साइड से जल रही हैं, तो देखते हैं इसको चेक करेंगे कि कहीं इसका ड्रेनेज होल बंद तो नहीं है। तो इसको एलमांडा को भी आप कटिंग से ईज़िली लगा सकते हैं। अब इस तरीके से एलमांडा की भी कटिंग आप लगा सकते हैं, जो वाइन प्लांट होता है एलमांडा की, उस वैरायटी भी होती है इस तरीके से, और ये वाइन प्लांट, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं और इसकी भी सॉफ्ट कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। इस तरीके से टिप की कटिंग आप लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। मधुमालती की कटिंग भी आप लगा सकते हैं इस समय, और बहुत अच्छे से ये भी प्लांट लग जाता है, लेकिन इसकी इस तरीके की ब्रांच ना लीजिए आप, थोड़ी सी हार्ड ब्रांच लीजिए, हार्ड वुड वाली, जैसे कि ये है जो ब्राउन हो चुकी हो, उसको लीजिए, उसकी कटिंग ईजिली लग जाती है। और ये टिकोमा ट्रम्पेट वाइन, इसकी कटिंग तो बहुत ही ईजिली लग जाती है। अभी यहाँ पे देखिए जड़ें इसकी बन रही हैं, तो ये भी अगर मिट्टी इसको मिल जाए तो यहीं से इसकी बड़ी बड़ी सी जड़ें बन जाती हैं, तो इस पौधे की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। मोगरा प्लांट की कटिंग ईजिली इस मौसम में लग जाता है, मोगरा प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए पौधा, शायद ये पौधा मेरा सूख रहा है या क्या है, इसकी ब्रांच मैं ऐसे देखिए ऊपर की हटा के देख रही हूँ, टहनी ऊपर की लेयर एक हटा रही हूँ, इसकी ऊपरी स्किन तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन बारिश का पानी मिलते ही देखिए इसमें नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। तो मैंने तो इसको स्टैंड से नीचे उतार दिया था, और अच्छा हुआ कि मैंने इसको निकाला नहीं पॉट से, अभी मैंने देखा इसमें देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगा ये पौधा ख़राब हो रहा है, लेकिन इसकी कटिंग आप लगा लीजिए। और मैंने कटिंग से इसके 2-3 पौधे तैयार कर लिए हैं, जो एक मैंने अपने ग्राउंड में लगा दिया है, जहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह लगाया है वहाँ लगाया है, और एक यहीं टेरेस गार्डन में रखा है। तो इसकी कटिंग आप इस मौसम में लगाइए, ईज़िली चल जाता है। और ये वाले प्लांट की भी कटिंग आप लगा सकते हैं, चांदनी की कोई भी वैरायटी, चाहे वेरीगेटेड हो या सिंपल वाली,
ईजिली ये भी कटिंग लग जाती है और इसका भी पौधा मैंने अपने गार्डन में एक तैयार कर लिया। तो अगर इस पर फ्लावर ना आए तो पत्तियों से ही ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत दिखता है, वाइट और लाइट ग्रीन कलर सेडेड इसमें पत्तियाँ आती हैं। तो इस प्लांट को भी आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सावनी, सावनी के प्लांट को भी आप गार्डन में कटिंग से तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये पौधा तैयार हो जाता है। और दो कलर मेरे पास हैं, इन दोनों को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है, तो ये भी कटिंग से ईजिली तैयार हो जाता है। इसकी भी ब्रांच थोड़ी सी हार्ड लीजिए, सॉफ्ट ब्रांच ना लीजिए। और सभी पौधों को रेत में लगाइए, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, उसमें ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं कटिंग से इस मौसम में। और यहाँ पे देखिए चांदनी का मल्टीपेटल वाला प्लांट है, कितने अच्छे से इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये भी बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है। इसकी आप सॉफ्ट ब्रांच लीजिए, ऊपरी टिप लीजिए और इसको भी लगा दीजिए रेत में, तो बहुत अच्छे से ये प्लांट भी ग्रो हो जाता है। कोई भी ऐसा प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, परमानेंट प्लांट हो, आप उसको बरसात पे ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं इस मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने का, जो बहुत आसानी से लग जाते हैं गार्डन में। तो बारिश का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें हमें हर एक पौधे की कटिंग तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके के ये फ्लावर प्लांट हैं जिनको हम गार्डन में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाउडर पफ का प्लांट है, पाउडर पफ को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और इसकी भी हालत गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दो दिन की बारिश में इसमें भी देखिए रौनक सी आ गई है प्लांट पर, और यही प्लांट हरा भरा दिख रहा है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं बारिश के मौसम में। कोई भी फ्लावर वाले प्लांट हो, उनको इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करिए और कटिंग लगाइए। आसानी से कटिंग लग जाएगा, गार्डन में आपके पौधे फ्री में तैयार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही फ्लावर प्लांट मैंने दिखाए हैं आपको। आगे और भी प्लांट्स बताती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी, जिनके कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। तो अभी इस बरसात में इन कटिंग को लगाइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।